नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे ललिता पवार जी के बारे में कि कैसे एक थप्पड़ ने उनका करियर बर्बाद कर दिया और उनकी सगी बहन कैसे उनकी सौतन बन गई। कई फिल्मों में सख्त माँ का किरदार निभा चुकी ललिता पवार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 9 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली ललिता पवार ने कई दशकों तक एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने तकरीबन 700 फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। ललिता पवार ने फिल्मों में भले कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाई, लेकिन वह हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह सपना पूरा ना हो सका। साल 1942 यानी कि 1942 में आई फिल्म जंग के आज़ादी की शूटिंग के दौरान उनके को स्टार भगवान दादा ने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार दिया कि ललिता पवार के कान का पर्दा फट गया और उनकी एक आंख भी खराब हो गई। अस्पताल में गलत इलाज के बाद ललिता पवार की हालत और बिगड़ गई और उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। कुछ समय बाद ललिता ने दोबारा फिल्मों में वापसी की और कई कैरेक्टर रोल्स किए, लेकिन रामानंद सागर के ऐतिहासिक सीरियल रामायण में ललिता पवार को मंथरा के रोल में ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए आज भी याद किया जाता है। आपको बता दें कि ललिता पवार की शादी फिल्म मेकर गणपत राव से हुई थी, लेकिन उनकी छोटी बहनें उनकी सौतन बन गई और ललिता पवार को उनके पति ने छोड़ दिया था। इस बात से ललिता पवार को गहरा सदमा लगा था। 24 फरवरी 1958 यानी कि 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार का निधन हो गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।